उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने दिया बड़ा बयान, सुरक्षा में कोई भी लापरवाही और कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं की जाएगी स्वीकार। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अदर ब्लॉग में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। इस टाइम खड़ा है भाई आपका मैदागिन चौराहे पर, और मैदागिन चौराहे से लेकर चलेगा आपको गेट नंबर 4 तक। गेट नंबर 4 तो दिखाएगा कि क्या व्यवस्थाएं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सावन के सोमवार के लेकर, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा, जो कि कारी जोर बना गया है इसके वजह से इस बार ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको फटाफट पूरा नजारे। के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने जो बयान दिया है, क्या उस बयान को लेकर व्यवस्थाएं यहां पे टाइट की जा रही है, पूरे नजारे टाइट किए जा रहे हैं, वो सारे नजारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फटाफट भाई के चैनल को कर दिए लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर, ताकि ऐसे हजारों नॉलेज आपको और ऐसे हजारों वीडियो आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमेशा मिलती रहे। तो आइए चलते हैं, बैक कैमरे दिखाते हैं आपको नजारे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने पूरे मतलब मैदागिन चौराहे तक पूरा ऐसे बैरिकेटिंग किया जाएगा। इस टाइम थोड़ी दूर आगे आपको मैदागिन चौराहा दिखेगा, यहाँ तक पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है और आगे तक भी पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। तो सावन के सोमवार को लेकर देख सकते हैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगने वाला है काफी ज्यादा भीड़। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने दिया है बड़ा प्रणाम की सुरक्षा में कोई लापरवाही और कोई चूक नहीं की जानी चाहिए, इसके लेकर पूरा दिया है। मतलब देख सकते हैं अभी से पूरा इंतजाम बहुत जबरदस्त किया जा रहा है। आज है शुक्रवार और कल है शनिवार और परसों है सोमवार। तो देख सकते हैं पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे टाइट की जा रही है, पूरी व्यवस्थाएं पूरे टाइट किए जा रहे हैं। तो आइए आगे भी चलते हैं, आगे भी चल के दिखाते हैं नजारे आपको मैदागिन चौराहे से लेकर चलेगा भाई 4 नंबर गेट तक। क्या इंतजामें की जा रही है और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है उसके नजारे आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, भाई के चैनल पर नहीं तो भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के शेयर करना नहीं भूलेगा। हर रोज आपको लेटेस्ट अपडेट भाई पहुँचाता रहता है और लेकर आएगा आप रेगुलर। तो देख सकते हैं ये पूरा बेहतरीन व्यवस्थाएं और पूरा बेहतरीन सुरक्षा जो की जा रही है बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पे। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और इंतजाम हैं सारी इस टाइम किए जा रहे हैं। तो जैसे नज़ारे तो वीडियो में रहेगा लास्ट तक, आइए चलते हैं आगे, अभी आगे भी चल के दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ी लाइट डिम करके मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि धूप है बहुत ज़्यादा चमक आएगा। तो देख सकते हैं सामने है गेट नंबर 4 और गेट नंबर 4 की व्यवस्थाएं क्या है की जा रही उसके नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, भाई के चैनल पर नया तो भाई के चैनल को फिर बता दे रहा है कि लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के शेयर करना नहीं भूलेगा। तो देख सकते हैं एंट्री जो है गेट की सामने से भी होगी और आगे मैदागिन चौराहे से वहाँ से भी सामने से पूरी लाइन लगे रहेगा, तो वहाँ से पूरा किया जाएगा व्यवस्था। तो देख सकते हैं पूरा घेराव और जो पूरा बैरिकेटिंग देख सकते हैं इधर से भी किया जा रहा है पूरा। ये सामने 4 नंबर गेट है और 4 नंबर गेट से देख सकते हैं दोस्तों ये 4 नंबर गेट है और 4 नंबर गेट से भाई चलेगा आप लोग को 1 नंबर गेट दिखाएगा। ये पूरी व्यवस्थाएं क्या क्या की जा रही है और पूरी व्यवस्थाएं क्या क्या की जा रही है वो सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आगे भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये पूरा व्यवस्थाएं इधर से क्या की जा रही है देख सकते हैं। इधर से पूरी व्यवस्थाएं इधर से की जा रही है, पूरे बम्बू इधर से लगा दिए गए हैं सामने से। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं देख सकते हैं इधर से पूरी बैरिकेटिंग व्यवस्थाएँ जो है बेहतरीन की गई है, पूरा बम्बू से बांध कर पूरा बेहतरीन व्यवस्थाएँ की जा रही है। इधर के भी नज़ारे पूरा बेहतरीन किए जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग नजारा देखे थे मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 का और आज टाइम भाई खड़ा है आपका गेट नंबर 1 पे और गेट नंबर 1 से क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या इंतजाम है वो सारे नजारे आपको दिखाने वाला भाई। तो आइए चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं नजारे, बने रहिएगा लास्ट वीडियो में। भाई के चैनल पर है तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों की शेयर करना नहीं भूलिएगा।
सो दोस्तों जो सामने देखना नजारे देख रहे हैं आप, ये है गेट नंबर एक, और यहाँ से भी एंट्री होती है गेट नंबर चार से भी, और गेट नंबर एक से भी एंट्री होती है जो भक्त लोगों का। तो देख सकते हैं नजारे पूरे गेट नंबर एक पर, यहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम जो कड़ी की गई है। देख सकते हैं व्यवस्थाएं पूरा बेहतरीन की गई है। आगे डबल स्कैनर लगाए गए हैं, जो कि पहले एक स्कैनर था, अब डबल स्कैनर, जो कि डबल स्कैनर देख सकते हैं सामने भी है और आगे भी डबल स्कैनर लगाए गए हैं, क्योंकि इतनी व्यवस्था कड़ी की गई है। तो आइए चलते हैं आगे, दिखाते हैं बैरिकेटिंग कहां तक किया गया है अभी तक। तो बैरिकेटिंग कहां तक किया गया है उसके नज़ारे आप अभी देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। भाई चैनल के नए तो भाई चैनल को लाइक करके और दोस्तों भी शेयर करना नहीं भूलेगा। तो देख सकते हैं सामने पूरे बैरिकेटिंग कर दिए गए हैं, पूरे व्यवस्थाएं जबरदस्त की गई। अभी एक तिरपाल जो लगाए गए, दो दो तिरपाल यहाँ पर लगते हैं हर साल, तो एक तिरपाल और लगाए जाएंगे। तो हर साल जो लगते थे वो चार नंबर गेट पे लगते थे, अभी जो ये पूरा पीछे से बनाया गया है नया, इस पर भी देख सकते हैं दो तिरपाल लगेंगे या नहीं लगेंगे, उसकी व्यवस्थाएं अब आगे की जाएगी। तो मैं फिलहाल में आप लोग को दिखा दूं कि ये बैरिकेटिंग जो की जा रही है वो कहां तक की गई है। तो दोस्तों सामने से मैं दिखा दूं आप लोगों को, पूरी बैरिकेटिंग जो कर दी गई है, ये गेट नंबर एक और ये गेट नंबर छह, यहां पे दो दो स्कैनर लगा दिए गए हैं अभी। तो कांवरिए हैं चाहे भक्त है चाहे पूरे भक्त लोग, किसी भी भक्त लोग को बिना स्कैनिंग के अंदर अलाउ नहीं है। तो देख सकते हैं, आइए चलते हैं आगे और आगे भी चल के दिखाते हैं आपको नज़ारे कि इधर तक बैरिकेटिंग पूरा नीचे तक किया गया है या फिर साइड से किया गया है उसके नज़ारे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीधे एक नंबर गेट से जो बैरिकेटिंग किया गया है ये सीधे नीचे सीढ़ी से नहीं, इधर बाजू से घुमा दिया गया है। देख सकते हैं इधर से घुमा के, तो मैं इधर से दिखा दे रहा हूँ। तो सीधा सीधा बैरिकेटिंग का आगे सीढ़ी था, इसकी वजह से लग रहा है इधर से घुमा दिया गया है। तो ये देख सकते हैं नीचे सीधे ले जाएगा। सो दोस्तों सामने का जो नज़ारा देख पा रहे हैं आप, दशा सुमार घाट से सीधे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ आएंगे तो ये देख सकते हैं ललिता घाट है। ललिता घाट से सीधे आपको देखने को मिलेगा पूरा बैरिकेटिंग का नज़ारे, जो देखते हैं इस कदर है पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया, पूरा उन्होंने बाम्बू से पूरा बांध दिया गया है ताकि घाट की तरफ कोई न जाए। तो देख सकते हैं पूरा व्यवस्थाएं जो है एकदम चाक चौकन्ना और पूरा टाइट व्यवस्थाएं कर दी गई है। तो भाई इस टाइम आपका खड़ा है ललिता घाट और ललिता घाट से पूरा नजारा दिखा रहा है इस कदर। तो जहां जहां पे बैरिकेटिंग खोला गया है वहां पर सुरक्षा रहेंगे, पूरा गार्ड पुलिस फोर्स भी रहेंगे, पूरा इंतजाम जो है पूरा रहेगा यहां पे। इस कदर से पूरे नजारे हैं, जो पूरे व्यवस्थाएं रहेंगी जहां जहां बैरिकेटिंग ओपन है वहां पे पूरे व्यवस्थाएं रहेंगी। तो देख सकते हैं आगे के नजारे कुछ इस कदर है। सामने देख सकते हैं महल के दीवार है, जो गुंबदे हैं तैयार हो चुके हैं, ये हटाए जा रहे हैं, पिलर नीचे हटाए जो किया जाएगा। और देख सकते हैं पानी से धुलैया बहुत तेजी से की जा रही है, पूरा व्यवस्था है जो जबरदस्त किया जा रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं ये पूरा नज़ारे, आइए नीचे चलते हैं, नीचे चल के भी दिखाते हैं क्या बेहतरीन नज़ारे और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। जैसा कि मैं दोस्तों सामने से भी दिखा दूँ इसके तरह नज़ारे कुछ देख सकते हैं मुख्य द्वार, और सामने से भी पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है और इधर से पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इस कदर ये सामने का नज़ारा है यहाँ पे। पूरा ललिता घाट से लेकर दशा सुमेर घाट तक पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है, पूरी व्यवस्थाएं जो है देख सकते हैं इस कदर है, पूरा दशा सुमेर घाट तक पूरा बैरिकेडिंग का नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी भूल और कोई भी चूक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने कहा है, देख सकते हैं उसकी पूरी व्यवस्थाएँ के बातों का पूरा पालन किया जा रहा है, कड़ी शासन व्यवस्थाएं हैं, कड़ा पूरा इंतजाम किया जा रहा है। देख सकते हैं इसके नज़ारे आपको देखने को मिलेगा कुछ इसमें।
दोस्तों गेट नंबर 1 से आप देखें मेन मुख्य गंगा द्वार तक पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं नीचे और नीचे भी चल के दिखाते हैं आपको नज़ारे कि नीचे तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है कि नहीं की गई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पूरा बैरिकेडिंग इधर तक कर दिया गया है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो कंप्रोमाइज़ कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा ऊपर से आपको नज़ारा दिखा दूँ, ऊपर से नज़ारे आप लोग देख लीजिए कितना बेहतरीन और कितना कड़ा व्यवस्था देख सकते हैं। पूरा लाइन टू लाइन दो दो बैरिकेडिंग घुमा कर यहाँ पे किया गया है कि भक्त दो दो बैरिकेडिंग से घूम कर कंवरिए लोग अंदर आएंगे और दर्शन करेंगे। देख सकते हैं पूरा नज़ारे इस कदर ऊपर से देखने में मिलता है आपको पूरा डिग्री। वीडियो देखना तो मैं आई बटन में एक वीडियो डालूंगा, मेरा बहुत बेहतरीन वीडियो था वो, कल का मैंने शूट किया है, पूरा डिक्लेयर वीडियो है। तो दोस्तों थोड़ी हवा चल रही होगी, नॉइज प्रॉब्लम होगा, ये तो पूरा इंतजाम था सुरक्षा का जो देखें आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आइए चलते हैं यहीं से वीडियो करते क्लोज और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक। तब तक अलविदा आपसे, जय हिंद मित्रों।